तब एक औरत अपने परिवार वालों की शत्रु बन जाती है। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान की जीत पर। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो की समाप्ति तक। तो बात करते हैं हम कि औरत के कितने रूप होते हैं और वह अपने पति और अपने घरवालों के शत्रु कब बन जाती है, वह कौन सी बड़ी से बड़ी कुर्बानी औरत हंसते हंसते दे देती है, यही सब आपको इस वीडियो के माध्यम से सुनने को मिलेगा। इन चार स्थानों पर स्त्री सबसे बड़ा नाता तोड़ देती है। मित्रों, कहते हैं जिस औरत को ममता का रूप माना जाता है, जिसे ममता की देवी कहा जाता है, करुणा की मूर्ति कहा जाता है, वह स्त्री एक दिन ऐसा भी आता है कि हर प्रकार के मोह से नाता तोड़ लेती है। वह इतनी कठोर बन जाती है, फिर उसके सामने पत्थर भी कठोर नहीं रहता। औरत किन किन स्थानों पर पत्थर से भी कठोर हो जाती है, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। ध्यान से सुन लेना, यह बात आपके जीवन में बहुत काम आएगी। एक बार की बात है, बारिश के मौसम में एक पेड़ पर एक नीलकंठ और एक नीलकंठनी बैठे हुए थे। दोनों के बीच जोरदार बहस शुरू हो गई। नीलकंठ कह रहा था कि स्त्रियां बहुत कठोर होती हैं और नीलकंठनी कह रही थी कि पुरुष बहुत कठोर होते हैं। अब दोनों में किसकी बात सही थी और किसकी गलत, इस बात का निर्णय करने वाला वहां कोई तीसरा नहीं था। बंधुओं, दोनों के बीच बात हद से पार हो गई। आखिरकार वे दोनों वहां से उठते हुए चल दिए और कहा कि चलो हम इस बात का फैसला कराएंगे। फैसला कराने के लिए वे दोनों एक गिद्ध के पास पहुंचे, जो एक पेड़ पर बैठा बारिश में भीग रहा था। नीलकंठ ने कहा, गिद्ध चाचा, कैसे अकेले अकेले बैठे भीग रहे हो? अकेले अकेले कोई काम अच्छा नहीं लगता है, चाहे वह दुख हो या सुख, इसीलिए हम भी आपके साथ बैठकर समय बिताएंगे। गिद्ध ने कहा, हाँ बच्चों, आओ बैठो। वैसे भी बुढ़ापे से लोग नफरत करते हैं, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, इसीलिए कोई मेरे पास बैठने के लिए नहीं आता है। कहते हैं डूबते हुए सूरज को कोई नमस्कार नहीं करता। तब नीलकंठ और नीलकंठनी बोड़ पड़े और कहा, चाचा, हम आपके पास एक समस्या लेकर आए हैं, क्या आप हमें बता सकते हो कि स्त्री और पुरुष में सबसे ज्यादा कठोर कौन होता है? हम दोनों में इसी बात को लेकर कई दिन से झगड़ा होता चला आ रहा है। तब गिद्ध कहता है, देखो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, अगर यह कहानी आपने ध्यान से सुन ली तो आपकी समस्या का समाधान अपने आप मिल जाएगा। सुनो मित्रों, इस प्रकार गिद्ध काका उन नीलकंठ और नीलकंठनी को एक बड़ी ही
रोचक कहानी सुनाते हैं और कहते हैं, किसी राज्य में एक राजा रहा करता था। वह राजा बहुत ही धर्मांतर राजा था। उसके राज्य की चर्चाएं बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी। उस राजा का एक पुत्र था जिसकी उम्र भी ज्यादा नहीं थी, 12 या 14 वर्ष होगी। वह राजकुमार बड़ा ही सुंदर था। राजा उसकी शादी कर देता है। जब राजा बूढ़ा हो चुका था, एक दिन राजा ने सोचा कि अपने राजकुमार को अब राजा बना देते हैं, क्योंकि उस राजा ने कई शादियां की थी और पहले के राजाओं में यही नियम था कि राजा चाहे जितनी शादी कर सकता था। वह राजा अपने पुत्र को राजा बना देता है। उसकी शादी हो चुकी थी एक सुंदर राजकुमारी के साथ। इस प्रकार से धीरे धीरे राजकुमार ने भी अपने पिता की तरह सात विवाह कर लिए। राजकुमार की भी सात रानी थी। राजकुमार जो कि राजा बना था, वह अपनी पढ़ाई लिखाई अभी भी करता आ रहा था। वह रोज विद्यालय पढ़ने के लिए जाया करता था। एक दिन की बात है, जब राजकुमार पढ़ने के लिए विद्यालय जा रहा था तो रास्ते में उसे एक परिहारिन मिली। परिहारिन भी बहुत सुंदर थी। उस परिहारिन ने राजकुमार से पूछा कि हे राजा, आप रोज कहाँ जाते हैं? यह राजकुमार कहता है कि मैं रोज पढ़ने के लिए विद्या ग्रहण करने के लिए अपने गुरु के पास जाता हूँ। परिहारिन कहती है, यह तो अच्छी बात है, लेकिन यह बताइए, आपने कभी त्रिया चरित्र का पाठ पढ़ा है? राजकुमार कहता है कि नहीं, यह कौन सी विद्या है? यह त्रिया चरित्र क्या होता है? परिहारिन ने कहा कि आप यह बात अपने गुरु से जाकर पूछना और त्रिया चरित्र अवश्य पढ़ना। राजकुमार कहता है कि मैं आज ही जाऊंगा और अपने गुरु से जाकर पूछूंगा कि आपने मुझे त्रिया चरित्र क्यों नहीं पढ़ाई। इतना कहने के बाद वह राजकुमार वहां से चल देता है। उस परिहारिन की बात सुनकर राजकुमार गुस्से में था। उसकी आंखें लाल थी। वह अपने गुरु को जाकर प्रणाम करता है। गुरु जी ने पूछा कि बेटा, क्या हुआ? आज तुम क्रोध में क्यों दिखाई दे रहे हो और तुम्हारी आंखें लाल क्यों हैं? क्या बात है, मुझे बताओ। राजकुमार ने क्रोध में जवाब दिया कि हे गुरुदेव, आपने मुझे त्रिया चरित्र क्यों नहीं पढ़ाई? यह बात आपने क्यों छुपाई? त्रिया चरित्र के बारे में मुझे क्यों नहीं बताया? तब गुरु कहते हैं कि बेटा, तुम त्रिया चरित्र नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि त्रिया चरित्र पढ़ना खतरे से खाली नहीं होता है, और जब तुम त्रिया चरित्र पढ़ोगे तो उसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। राजकुमार कहता है कि गुरुदेव, इसकी चिंता आप ना करें, अपनी रक्षा हम स्वयं कर लेंगे। आप केवल मुझे त्रिया चरित्र ही पढ़ाइएगा। गुरु कहते हैं कि ठीक है बेटे, यदि तुम त्रिया चरित्र जानने के इतने ही शौकीन हो तो मैं तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। मित्रों,
तब गुरु उसे त्रियचरित्र का पाठ पढ़ाने लगते हैं। त्रियचरित्र पढ़ते पढ़ते राजकुमार को एक साल हो जाता है और जब एक वर्ष हो गया तो गुरुजी ने कहा कि बेटा, तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, अब तुम घर जा सकते हो और आराम से अपने राज्य को चला सकते हो। अब तुम्हें यहाँ आने की कोई आवश्यकता नहीं है। राजकुमार कहता है, ठीक है गुरुदेव। राजकुमार जैसे ही जाने को होता है तो गुरुदेव उसे रोक लेते हैं और कहते हैं, बेटा मैं तुम्हें एक चीज देना तो भूल ही गया, मैं तुम्हें एक ऐसा गुटखा दूंगा, यह गुटखा जब भी तुम अपने मुंह में लगाओगे तो कोई भी तुम्हें पहचान नहीं पाएगा और तुम उसे पहचान लोगे। इस प्रकार मित्रों, वह राजकुमार वह गुटखा अपने हाथों में ले लेता है और गुरु ने कहा, इस गुटखे को ले जाओ और आज ही की रात में अपने महल से निकलकर जंगल की तरफ जाना और पूर्व दिशा की ओर जाना। जब तुम पूर्व दिशा की ओर चले जाओ तो यह गुटखा अपने मुंह में लगा लेना और वहीं पर खड़े हो जाना। तब राजकुमार कहता है कि ठीक है गुरुदेव, मैं ऐसा ही करूँगा। वह गुटखा लेकर राजकुमार अपने महल आ जाता है। जब रात के 12 बज जाते हैं तो उस रात राजकुमार की सातों पत्नियां सो जाती हैं। आधी रात के समय वह राजकुमार अपने हाथों में गुटखा लेकर महल से जंगल की तरफ चल देता है। वह राजा जंगल में पूर्व दिशा की ओर चला जाता है और वहां जाकर अपने मुंह में गुटखा लगा लेता है और वहीं पर खड़ा हो जाता है। तो उसने क्या देखा? उसने देखा कि वही पनिहारिन जो उसे रास्ते में मिली थी, जिसने उससे कहा था कि त्रिया चरित्र की पढ़ाई पढ़ो, वही पनिहारिन ने थाली में खाना लेकर आधी रात्रि को कहीं चली जा रही है। वहां से थोड़ी ही दूरी पर एक संत अपनी कुटिया में रहते थे। वह पनिहारिन संत के पास खाना लेकर जा रही थी। राजा ने देखा कि यह तो वही पनिहारिन है जिसने मुझसे कहा था कि त्रिया चरित्र की पढ़ाई पढ़ो, लेकिन पनिहारिन उस राजा को नहीं पहचान पाई क्योंकि राजा के मुंह में गुटखा लगा हुआ था। गुटखा लगने की वजह से राजा किसी को भी पहचान में नहीं आ रहा था। राजा ने अपने मन में सोचा कि चलो उसके पीछे चलते हैं कि यह आधी रात को भोजन लेकर संत की कुटिया की तरफ क्यों जा रही है, इसका क्या कारण है। वह राजा भी उसके पीछे पीछे चल देता है। अब वह पनिहारिन उस कुटिया में उस साधु के यहाँ पहुंचती है। उस बाबा के पास एक जादू की पोटली थी। वह बाबा जादूगर था। राजा पीछे पीछे जाता है यह देखने के लिए कि वह पनिहारिन और बाबा क्या करेंगे। साधु ने उस पनिहारिन से कहा कि अरे पनिहारिन, पहले तू मुझे ये बता कि आज मेरे पास आने में तुझे इतनी देर कैसे लग गई।
हाथ जोड़कर वह पनिहारिन कहने लगी कि प्रीतम प्यारे, मेरा गौना हो चुका है और हमारे पति हमें ले जाने के लिए आए हैं। हमें लेकर कल चले जाएंगे, इसीलिए हमें उन्हें सुलाने में थोड़ी देर लग गई और यहाँ आने में भी देर हो गई। जब यह बात साधु ने सुनी कि इसका विवाह हो चुका है और इसका पति इसे लेने आया है, तो वह साधु कहता है कि हे पनिहारिन, इसका मतलब है कि तुम अपने पति के साथ जाना चाहती हो, तो हमारे पास क्यों चली आई? जाओ यहाँ से। पनिहारिन कहती है कि हे प्राणनाथ, मैं आपके बिना नहीं रह सकती हूँ, मैं आपके बिना नहीं जी सकती हूँ। तब साधु कहता है कि हे पनिहारिन, इसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। तब साधु एक बड़ा सा चाकू निकालता है और पनिहारिन से कहता है कि हे पनिहारिन, इसी क्षण जाओ और अपने पति की गर्दन काट कर यहाँ लेकर आ जाओ। अपने उस पति को मार दो जो हमारे और तुम्हारे बीच में दरार बन रहा है। तब मैं तुम्हें रखूंगा, तुमसे विवाह करूंगा, तुम्हें अपनी पत्नी बनाऊंगा बिना कुछ सोचे समझे। वह पनिहारिन चाकू लेती है और दौड़ते हुए अपने घर चली जाती है। और उसका पति सो रहा था, वह जाकर अपने पति की गर्दन काट देती है और उसकी गर्दन को लेकर साधु के पास आती है। और मित्रों, उधर जो राजकुमार था उसके पीछे पीछे उसका सारा कारनामा देख रहा था। जब साधु ने देखा कि यह स्त्री बड़ी निष्ठुर है, अपने पति को मारकर उसकी गर्दन यहाँ लेकर आई है, साधु को बहुत गुस्सा आया। साधु ने उसे लात मारी और कहा, भाग जाओ यहाँ से जब तू अपने पति की ना हो सकी, जिसने साथ तूने सात फेरे लिए थे, तो मेरी क्या होगी? जल्द ही भाग जा यहाँ से। अगर तू मेरे पास दोबारा आई तो मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। गिद्ध बोला, हे नीलकंठ, ध्यान से सुन। साधु की यह बात सुनकर पनिहारिन को ऐसा लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। फिर भी अपने पति की कटी हुई गर्दन लेकर वह आई और उसकी गर्दन जोड़ देती है और वहीं बैठ जाती है। इधर जैसे ही सवेरा हुआ, अपने पति के पास बैठकर रोने लगती है और चिल्लाने लगती है। कहती है, देखो देखो, किसी ने मेरे पति की हत्या कर दी। रात में उस पनिहारिन का सारा कारनामा राजकुमार देख चुका था। इधर सारे गांव वाले उस पनिहारिन के घर चले जाते हैं और उसके पति की लाश को लेकर गांव के बाहर जाते हैं उसका दाह संस्कार करने के लिए। और वह पनिहारिन पीछे से भागती हुई रोती हुई चली जा रही थी और उधर राजकुमार भी जा रहे थे, जो कि अपने राज्य के राजा बन चुके थे। पनिहारिन रो रही थी, चिल्ला रही थी और कह रही थी, मैं तो सती बनूंगी, क्योंकि अगर जब मेरे पति ही नहीं रहे तो ऐसे जीवन का क्या फायदा, मैं इन्हीं के साथ
सती हो जाऊंगी। राजा को उसकी बातें सुनकर हंसी आ जाती है और राजा कहता है, त्रियचरित्र जाने ना कोई, खसम के सटी हुई राजकुमार की यह बात सुनकर और कोई तो नहीं समझ पाया, लेकिन वह पनिहारिन समझ जाती है। पनिहारिन कहती है कि राजा साहब आप हमारे ऊपर यह बात कह रहे हैं, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, मैं सती हो जाऊंगी। पनिहारिन कहती है कि जाते जाते मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ। राजकुमार कहता है क्या बताओ पनिहारिन? कहती है कि राजा साहब आप जब चटाई पर बैठी तो उस चटाई को झाड़कर बैठी। तब राजा कहता है कि हे पनिहारिन, ये तुम क्या कह रही हो? मैं तो राजा हूँ, मैं चटाई पर बैठने की कोई आवश्यकता नहीं है। पनिहारिन कहती है कि जब भी तुम्हें कोई नौबत आ जाए चटाई पर बैठने की, तो तुम चटाई को झाड़ कर बैठना। राजकुमार कहता है कि चलो ठीक है, अगर तुम कह रही हो तो मैं ऐसा ही करूँगा। इतना कहने के बाद वह अपने पति के साथ सती हो जाती है और राजकुमार उनका अंतिम संस्कार करवा देता है और अपने घर को आ जाता है। इसी तरीके से पूरा दिन व्यतीत हुआ और उधर जब दूसरी रात आई, अपने गुरु के कहने के अनुसार वही गुटका काम में लगाया और पूर्व दिशा की ओर उसी स्थान पर जाकर खड़ा हो गया जहां पर पिछली रात खड़ा हुआ था। दूसरी रात को राजकुमार ने देखा कि उसकी सातों पत्नियां भोजन की थाली अपने अपने हाथों में लेकर उसी बाबा की कुटिया की तरफ जा रही हैं। जैसे ही राजा ने अपनी सातों पत्नियों को उस बाबा की कुटिया के तरफ जाते हुए देखा, राजकुमार के पैरों तले जमीन खिसक गई। राजकुमार अपने मन में सोचने लगा कि यह क्या चक्कर है। तभी उनमें से एक रानी राजकुमार को देख लेती है, लेकिन रानियों ने अपने पति राजकुमार को नहीं पहचान पाई क्योंकि राजकुमार अपने मुंह में गुटखा लगाए हुए थे। वह गुटका लगाने की वजह से राजा को कोई पहचान नहीं पाता है। उनमें से एक रानी कहती है कि हे लड़के, इतनी रात को यहाँ क्यों खड़ा है? चल हमारी थाली लेके उस कुटिया तक पहुँचा दे बिना कुछ सोचे समझे। राजकुमार ने थाली अपने हाथों में ले ली और अपनी रानियों के साथ कुटिया तक जाने लगा। जब सातों रानियां राजकुमार के साथ उस बाबा की कुटिया में पहुंचती हैं, राजकुमार कुछ भी नहीं बोल रहा था क्योंकि राजकुमार देखना चाहता था कि हम में और हमारे महल में ऐसी क्या कमी है जो हमारी सातों रानियां इस बाबा के पास आती हैं, और इस साधु के पास ऐसा क्या है जो हमारी सातों रानियां भी यहां आ रही हैं। वह राजकुमार छुपकर सब जानना चाहता था। इधर जब वह सातों रानियां राजकुमार को लेकर साधु के पास पहुंची तो महात्मा राजकुमार को देखकर कहता है कि यह कौन है? तो सातों रानियां कहती हैं कि महात्मा जी, यह बालक हमें रास्ते में मिला, इसीलिए हमारी सहायता की, तो हम इसे आपके
साथ लेकर आए हैं। रानी कहती है, एक काम करते हैं, इसे आज रात यहीं रहने देते हैं। कल सुबह होते ही यह यहाँ से चला जाएगा। वह साधु उनकी बातों को मान लेता है। वह साधु अपने एक शिष्य को बुलाता है और उससे कहता है कि जाओ, आज के लिए इस बालक की रुकने को लिए व्यवस्था कर दो। वह शिष्य राजकुमार को लेकर एक कमरे में जाता है। उस कमरे में एक चटाई बिछी हुई थी। शिष्य कहता है कि देख भाई, आज तुझे इस चटाई पर सोना पड़ेगा। वह शिष्य राजकुमार को इतना कहकर वहां से चला जाता है। राजकुमार उस कमरे में अकेला पड़ जाता है। राजकुमार अपने मन में सोचता है कि आज तो नौबत आ ही गई चटाई पर सोने की। फिर राजा कहता है कि कोई बात नहीं, आज की रात हम चटाई पर ही गुजार लेंगे। राजकुमार जैसे ही चटाई पर बैठने ही वाला था कि उसे पनिहारिन की बात याद आ गई। वह सोचने लगा कि पनिहारिन ने मुझसे कहा था कि जब भी तुम चटाई पर बैठने की नौबत आए, तुम चटाई को अवश्य झाड़ लेना। चलो आज पहले ही इस चटाई को झाड़ लेते हैं, हो सकता है इसका कोई राज हो। जैसे ही राजा ने चटाई उठाई, उसने देखा कि एक बहुत बड़ा भयानक कुआ है। राजा ने जब उस कुएं में देखा तो राजा के होश उड़ गए। राजा उस कुएं के अंदर झांक कर देखता है। राजा को अंदर बहुत सारे कैदी दिखाई देते हैं, जिन्हें उस साधु ने अंदर कैद करके रखा था। उन कैदियों में से एक आदमी ने राजकुमार को पहचान लिया। वह आदमी राजकुमार से कहता है, राजकुमार आप यहाँ कैसे आ गए? कहता है कि धीरे बोलो, नहीं तो सब पोल पट्टी खुल जाएगी। तब सभी कैदियों ने कहा कि राजा साहब आप यहाँ से भाग जाइए, हम तो यहाँ से निकल नहीं पाए, लेकिन आप यहाँ से भाग जाइए, नहीं तो आपका भी यही हाल हो जाएगा जो कि हमारा हुआ है। आप भी यहाँ फंस जाएंगे, आपको भी पकड़कर यह साधु इसी में डाल देगा। आप जितना जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाइए। राजा जब उस कमरे के अंदर गया तो अपने मुंह से गुटका निकाल लिया था। और जब राजा वहां से भागा तो अपने मुंह में गुटका लगाना ही भूल गया। राजा को तो भागते हुए उन रानियों ने और साधु ने देख लिया। रानियों ने जब राजा को भागते हुए देखा तो रानियां कहती हैं, यह तो हमारे पति हैं। रानियां उस महात्मा से कहती हैं कि महात्मा जी, आप तो हमारी सारी पोल पट्टी खुल जाएगी, यह तो हमारे पति हैं। और वह भागे जा रही हैं, उन्होंने हमें यहाँ देख लिया है, अब हमारा क्या होगा? वह साधु कहता है कि तुम यहाँ क्यों देख रही हो, जल्दी जाओ और अपने पति को पकड़ कर लाओ। सातों रानियां राजकुमार को पकड़ने के लिए दौड़ी दौड़ी जाती हैं, लेकिन वह राजकुमार वहां से जा चुका था। वह अपने महल में जा पहुंचा। रानियां घबरा गईं, रानियों के तो होश उड़ गए। रानियां फिर वापस उसी बाबा के पास आती हैं और बाबा से कहती हैं कि
महाराज, अब तो हमारे पति हमें जीवित नहीं छोड़ेंगे। हम जैसे ही घर जाएंगे वे हमारी जान ले लेंगे। महात्मा, आप हमें बचा लीजिए, इसका कोई न कोई उपाय कीजिए। तब जाकर हम साधु उन रानियों को एक कील देता है और कहता है कि जब तुम महल जाओगे तो अपने पति को कहना, फुसलाकर उसके माथे में यह कील ठोक देना। यह जादुई कील तुम्हारे पति को भेड़ बना देगा, फिर तुम साथों मिलकर उसे मार देना। बस कहानी खत्म हो जाएगी और तुम सातों रानियां बच जाओगी। सातों रानियां तैयार हो जाती हैं। वह सातों रानियां साधु की बात मान लेती हैं और जादुई कील लेकर महलों में आती हैं। वह सातों रानियां आपस में विचार करती हैं कि सबसे ज्यादा राजा को प्रेम छोटी वाली करती है, तो वह अच्छी रानी मिलकर जादू वाला कील छोटी रानी को दे देती हैं और कहती हैं, ये लो तुम्हारा काम है, तुम किसी भी तरह राजकुमार के माथे में यह कील ठोंक देना। वह छोटी वाली रानी कहती है कि ठीक है। वह कील छोटी वाली रानी ले लेती है। तब राजा ने उन सातों रानियों को आते हुए देखा तो क्रोध में कहा कि पहले तुम यहीं रुको, पहले मुझे यह बताओ कि हमारे राज में और हम में ऐसी क्या कमी है कि तुम आधी रात को उस साधु के पास जाती हो, इसका क्या कारण है। तो सातों रानियां हाथ जोड़कर कहती हैं कि महाराज, हमें माफ कर दीजिए, हम लगता है कि उस साधु बाबा ने हम पर कोई जादू टोना कर दिया था, इसीलिए हम ऐसी गलती कर बैठे। आइंदा ऐसी गलती हमसे कभी नहीं होगी। छोटी रानी की ऐसी बात सुनकर उनकी बातों में आ जाता है और उनकी बातों को वह राजा मान लेता है, क्योंकि वह राजा छोटी रानी से बहुत ज्यादा प्रेम करता था। वह राजा भी सोचने लगता है कि शायद उस बाबा ने ही इन पर कोई जादू टोना किया होगा। राजा अपनी सातों पत्नियों को माफ कर देता है और कहता है, ठीक है, तुम अपने कमरे में ही चली जाओ। सबसे छोटी रानी जिससे राजकुमार बहुत प्रेम करता था, वही सबसे छोटी रानी राजकुमार को खाना खिलाती है और राजकुमार को सुला देती है। जब वह राजा सो गया तो रानियां भी वहीं आ जाती हैं। सबसे छोटी यानी जो वह जादुई कील ठोंकने वाली थी, वह जादुई कील निकालती है और राजा के माथे में ठोंक देती है। छोटी रानी ने कील जैसे ही ठोंकी, राजा पूरा तेजी से उठा, लेकिन उसने समय में वह तब तक भेड़ बन चुका था। अब उस राजा ने इतनी शक्ति नहीं थी कि उन रानियों से मुकाबला कर सके। वह सातों रानियां उस राजा को पकड़ने लगी। राजा फिर भी हिम्मत नहीं हारा, अपने महल की खिड़की से कूदकर राजा भागते भागते अपने गुरु के पास पहुंच गया और कहने लगा, हे गुरु, मुझे माफ कीजिए और मेरी जान बचाइएगा, नहीं तो मैं मारा जाऊंगा। गुरु कहते हैं कि बेटा,
मैंने तुझसे कहा था कि तुम त्रिय चरित्र मत सीखो, इसमें जान भी जा सकती है। अब सीखो त्रिय चरित्र। देखा इसका नतीजा। राजकुमार कहता है, गुरुदेव मुझे माफ कर दो और जल्द ही मेरी जान बचाओ, नहीं तो मैं मारा जाऊंगा। मेरी ही पत्नी ने मेरे सर में जादुई कील ठोक दी है, जिसकी वजह से मैं भेड़ बन चुका हूँ। गुरु ने जब ध्यान से देखा तो कहा कि वही कील है जो वह साधु ने दिया है, मैं तुम्हें अब नहीं बचा सकता। राजकुमार कहता है कि नहीं गुरुदेव, ऐसा मत कहिए, मैं आपका शिष्य हूँ, आपका कर्तव्य है मेरी जान बचाना। अब गुरु कहते हैं कि ठीक है बेटा, मैं तुम्हें बचा तो नहीं सकता, लेकिन एक उपाय है। राजकुमार कहता है, क्या? गुरुदेव वह गुरु कहते हैं कि हम तुम्हें भेड़ से तो नहीं बचा सकते, लेकिन हम तुम्हें भेड़ से तोता बना देंगे, और जब हम तुम्हें तोता बना देंगे तो तुम 6 साल राजा के राज्य में चले जाना और वहीं जाकर रहना, क्योंकि उस राज्य में वह साधु का जादू टोना नहीं चलता है। वह राजकुमार कहता है, ठीक है गुरुदेव, आप हमें तोता बना दीजिए। उसी समय मित्रों गुरुदेव उसे तोता बना देते हैं और वह तोता बनने के बाद वहां से उड़ जाता है और सुखपाल राजा के राज्य में चला जाता है, जहां पर बहुत सारे तोता रहते थे। वह राजा भी तोता बनकर वहीं जाकर रहने लगा। मित्रों इधर राजा की सातों रानियां उसे खोज रही थी। काफी खोजबीन करने के बाद जब राजकुमार नहीं मिला तो वह फिर से उस बाबा के पास जाती हैं और कहती हैं कि बाबा जी, वह राजा तो भाग चुका है, आप अपनी पोटली निकालिए और देखिए कि वह कहाँ है। वह महात्मा अपनी पोटली खोलता है और देखने लगता है कि वह राजकुमार तोता बन कर सुख बाले राजा के राज्य में जा चुका है। वह साधु यह सारी बात रानियों को बताता है तो रानियां कहती हैं कि हे स्वामी, अब क्या करें। साधु कहता है कि अब तुम अपने राजमहल में जाओ और जाकर यह घोषणा कर दो कि जो भी तोता पकड़ कर ले आएगा हम उसे 5 सोने के सिक्के देंगे। वह सातों रानियां अपने महल पहुंची और वहां पर घोषणा कर देती हैं कि सभी बहेलियां से कह दो कि जो भी तोता पकड़ कर लाएगा हम उसे 5 सोने के सिक्के देंगे। उस राज्य के जितने बहेलियां थे तोता पकड़ने के लिए चारों तरफ घूमने लगते हैं और जो भी तोता पकड़ के लेकर के रानी के पास जाते और 5 सिक्के लेते और वहां से चले जाते, और वे सातों रानियां उस तोते को मार देती हैं। ऐसे ही धीरे धीरे बहुत समय निकल गया और वह राजकुमार जो तोता बनकर वहां गया था वह अन्य तोताओं से बहुत अच्छी अच्छी बातें करता था, उन्हें
बहुत ज्ञान की बातें बताता था, तो सारे तोताओं को लगा कि यह तोता तो बहुत समझदार है, यह तोता तो बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है, इसे हम अपना राजा बना लेते हैं। सभी तोता मिल करके उस राजा को अपना राजा बना लेते हैं। वह राजकुमार सभी तोताओं का राजा बन जाता है और वहीं चुप कर रहने लगता है। एक दिन वह वेहलिया एक तोता पकड़ते हैं। पकड़ते ही सुखपाल राजा के राज में पहुंच जाते हैं और वह उसी पेड़ के पास पहुंच जाता है जहां पर वह राजकुमार तोता बनकर छुपकर रहता था। इतने सारे तोते पकड़कर रानी के पास ले जाएंगे तो हमें बहुत सारे सोने के सिक्के मिल जाएंगे। लेकिन वह भेलिया सोचता है कि हम इतने सारे तोतों को पकड़ेंगे कैसे। इधर जैसे ही सुबह हुआ, उस पेड़ के सारे तोते उड़कर दाना पानी के लिए बाहर चले जाते हैं। और इधर भेलियाँ क्या करते हैं, अपने चाकू से पेड़ पर चारों तरफ कट लगा देते हैं, जिससे कि पेड़ से बहुत सारा गोंद निकल आए। तो हमें बहुत सारे सोने के सिक्के मिल जाएं। जैसे ही वे सारे तोते उस पेड़ पर बैठेंगे तो उनके पंजे उस पर चिपक जाएंगे। उधर जैसे ही सुबह हुई, उस पेड़ के सारे तोते उड़कर दाना पानी के लिए बाहर चले जाते हैं। उधर भेलिया क्या करता है, अपने चाकू से पेड़ पर चारों तरफ कट लगा देता है, जिससे कि पेड़ से बहुत सारा गोंद निकल आए। अब तो पेड़ के चारों तरफ गोंद ही गोंद हो जाता है। अब भेलिया सोचता है कि जब भी वे सारे तोते आएंगे, इस पेड़ पर बैठेंगे, वो सभी इस पेड़ में चिपक जाएंगे और मैं आसानी से उन्हें पकड़कर लेकर चला जाऊंगा। भेलिया वहीं छिप करके देखने लगा और जब शाम हुई, सारे तोते वापस आए और वे तोते जैसे ही पेड़ पर बैठे, सभी का पैर उस पेड़ के गोंद में चिपक गया, क्योंकि पूरे पेड़ में गोंद ही गोंद लगा हुआ था। अब तो सारे तोते परेशान हो गए। उसमें राजकुमार भी, जो तोता बना हुआ था, वह भी चिपक गया था। सारे तोते राजकुमार से कहते हैं, क्योंकि वे सारे तोते राजकुमार को अपना गुरु मानते थे, कि आप कुछ भी सोचो, हम सबको बाहर निकालो, नहीं तो सुबह तक वह भेलिया आएगा और हमें पकड़कर ले चला जाएगा। तब राजकुमार कहता है कि तुम बिल्कुल चिंता ना करो, जब वह सुबह भेलिया आएगा तो तुम सभी कुछ ऐसा करना कि उस भेलिये को लगे कि सारे तोते मर चुके हैं। और जब वह सभी तोतों को पेड़ से छुड़ाकर नीचे फेंक दे तो सभी उड़कर भाग जाना। सभी तोते कहते हैं
ठीक है गुरुदेव। सुबह हुई, जैसे ही भेलिया पेड़ के पास पहुंचा, सभी तोते ऐसे लटके हुए थे जैसे कि वह सभी मर चुके हैं। जब भेलिये ने तोतों को देखा तो सोचा कि अरे यह क्या हो गया, यह तो सभी मर गए, अब हमें सोने के सिक्के कैसे मिलेंगे। फिर भेलिये ने सोचा कि चलो अब इन्हें छुड़ा ही देते हैं, इतना तो उपकार कर ही सकते हैं। भेलिया पेड़ पर चढ़ा और उनको छुड़ा छुड़ा कर नीचे फेंकने लगा। भेलिये ने सभी तोतों को छुड़ा कर नीचे फेंक दिया, लेकिन जो राजकुमार था, जो तोता बना हुआ था, वह पेड़ पर ही लटका हुआ था और नीचे जितने भी तोते थे वे सभी छोड़कर भाग गए। भेलिये ने सोचा, अरे ये क्या हुआ, जितने तोतों को मैंने छोड़ा और नीचे फेंका वे सभी भाग गए। भेलिये ने सोचा, इसका मतलब ये सारे तोते हमारे साथ मिलकर धोखा कर रहे हैं। अब वह राजकुमार जो तोता बना हुआ था, वही सिर्फ पेड़ पर लटका हुआ था। वह भेलिया कहता है कि यह सब तुम्हारी चाल है, चलो अब मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा और रानी के हाथ बेच दूंगा और मुझे 5 सोने के सिक्के मिल जाएंगे। इधर वह भेलिया उन तोतों को बेचने के लिए रानी के पास जाने लगता है। रास्ते में वह तोता कहता है, जो कि राजकुमार था, वह भेलिया से यह कहता है कि तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो। तो वह भेलिया कहता है, मैं तुम्हें बेचने के लिए रानी के पास ले जा रहा हूँ, अगर मैं तुम्हें वहाँ बेचूंगा तो मुझे 5 सोने के सिक्के मिलेंगे। राजकुमार कहता है कि मैं अगर तुम्हें 50,000 सोने के सिक्के दिलाऊं तो क्या तुम तब भी मुझे बेचोगे। भेलिया कहता है, तुम्हें बेचना तो है ही, लेकिन तू मुझे 50,000 सोने के सिक्के कैसे दिलाएगा। वह तोता कहता है कि राजा, शुभफल के यहाँ एक बहुत बड़ा मेला लगता है, तो मुझे वहीं बेच दो, उसी मेले में मैं वहां पर बिक जाऊंगा। मित्रों, वह भेलिया उस तोते की बात मान लेता है और रानी के पास बेचने की जगह वह सुखपाल राजा के राज्य में तोते को बेचने चला जाता है। और सुखपाल राजा के राज्य में यह नियम था कि अगर किसी व्यक्ति का सामान शाम तक बिकने से रह जाता था तो वहां का राजा स्वयं आकर उसे खरीद लेता था। इधर वह भेलिया तोते को लेकर बाजार में पहुंचा। जब भी कोई व्यक्ति उस तोते को खरीदने आता तो वह पूछता कि यह कितने का है। तो भेलिया कहता कि तोता अपना दाम स्वयं बताएगा। तो वह तोता अपना दाम इतना बता देता था कि कोई भी व्यक्ति उस तोते को खरीद ही नहीं पाता। ऐसे ही करते करते शाम हो गई। अब शाम हो गई थी, सभी अपने अपने दुकान लेकर चले गए। सभी की दुकान उजड़ गई थी, बस एक भेलिया और एक तोता ही रह गया था।
इधर राजा ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि जाओ देखकर आओ किसी का सामान तो नहीं रह गया है। जब राजा के सिपाही आए तो उन्होंने देखा कि एक भेड़िया तोते को लेकर बैठा हुआ है। सिपाही भेड़िये से कहता है कि यह तोता कितने का है। तो भेड़िया कहता है तोता स्वयं अपना दाम बताएगा। तो सिपाही तोते से पूछते हैं, तोता कहता है कि जो इन्हें 50,000 सोने के सिक्के देगा वही मुझे खरीद पाएगा। उस तोते की बात सुनकर वह सिपाही आश्चर्य में पड़ जाता है। वह सोचता है कि अरे यह तोता तो अपना मूल्य स्वयं बताता है। वह सिपाही राजा के पास जाते हैं और राजा को सारी बात बता देते हैं और कहते हैं कि एक भेड़िया एक तोते को लेकर बैठा हुआ है, लेकिन वह तोता अपना मूल्य स्वयं बताता है। वह इतना महंगा बताता है, शायद इसी लिए उसे कोई खरीद ना सका। राजा सिपाहियों से पूछता है कि वह तोता अपना मूल्य कितना बता रहा है। सिपाही कहते हैं कि वह अपना मूल्य 50,000 सोने के सिक्के बता रहा है। राजा कहता है कि चलिए हम स्वयं चलकर वह तोता खरीदेंगे, और अगर हम उसका तोता नहीं खरीदेंगे तो हमारी बदनामी होगी कि राजा के बाजार में वह तोता नहीं बिक सका। और वह नाराज होकर चला गया। वह राजा अपने मंत्रियों के साथ अपने रथ पर सवार होकर बाजार में पहुंचता है। राजा भेड़िये से कहता है, भेड़िये इसका क्या मोल है। भेड़िया हाथ जोड़कर कहता है कि राजा साहब यह अपना मोल स्वयं बताता है। वह राजा फिर तोते से पूछता है तो तोता कहता है कि राजा साहब जो इन्हें 50,000 सोने के सिक्के देगा वही मुझे खरीद पाएगा। राजा अपने सिपाहियों से 50,000 सोने के सिक्के मंगवाता है और भेड़िये को पकड़ा देता है। राजा तोते को लेकर अपने महल चला आता है। वह बहुत खुश होता है। वह तोता बहुत बुद्धिमान था। वह तोता राजा के यहाँ जाकर राजा को बहुत अच्छी अच्छी बातें बताने लगा। जब राजा पर कोई खतरा आने वाला होता तभी वह तोता बता देता कि राजा साहब आप पर यह खतरा आने वाला है। राजा भी उस तोते से बहुत प्रेम करने लगते हैं। जब यह बात रानियों को पता चली कि राजा एक ऐसा तोता लेकर आए हैं जो तोता बोलता है और बहुत अच्छी अच्छी बातें बताता है, तो रानियां राजा से कहती हैं कि उस तोते को हमारे पास भिजवा दीजिए, हम भी उस तोते को देखना चाहते हैं, हम भी उस तोते से बातें करना चाहते हैं। राजा अपने मंत्रियों से कहकर वह तोता रानियों के पास भिजवा देता है। वह रानी उस तोते से बातें करके बहुत खुश हो जाते हैं। कहते हैं रानी की भी वह तोतों से बहुत प्रेम करने लगती है। राजा
साहब ने 50,000 सोने के सिक्के देकर खरीदा है। मित्रों, राजा की एक पुत्री थी जो कि बड़ी ही सुंदर थी। रानी अपनी पुत्री से कहती हैं कि हे पुत्री, आज से तुम इस तोते का ध्यान रखोगी और कल तुम इसे अच्छे से धोकर नहला देना। वह राजकुमारी भी उस तोते से बहुत प्रेम करती है। जैसे ही सुबह हुई, राजकुमारी उस तोते को लेकर नहलाने चली जाती है। जब राजकुमारी उसे नहला रही थी तो उसने देखा कि इसके सिर में एक कील धसी हुई है। राजकुमारी ने उस कील को निकाल दिया। राजकुमारी जैसे ही कील को निकालती है, वह तोता पहले वाला एक सुंदर सा राजकुमार बन जाता है। राजकुमारी उसे देखकर घबरा जाती है। राजकुमार कहता है कि तुम घबराओ नहीं, यह कील वापस से मेरे सर में ठोंक दो, मैं फिर से तोता बन जाऊंगा और इसके बारे में मैं तुम्हें रात्रि में बताऊंगा। तुरंत ही वह राजकुमारी उस कील को राजकुमार के सर में ठोंक देती है। तुरंत ही वह राजकुमार तोता बन जाता है। रात को वह राजकुमारी उस तोते को लेकर अपने कमरे में चली आती है और उसके सर से वह कील निकाल देती है। वह तोता फिर से राजकुमार बन जाता है। वह राजकुमार अपनी सारी दास्तान उस राजकुमारी को बताता है और कहता है, माफ करना, यह दास्तान तुम किसी को मत बताना, नहीं तो मेरी जान चली जाएगी। राजकुमारी इसके बारे में अपने माता पिता को नहीं बताती है। मित्रों, दिन भर समय बीतता तो रात को राजकुमारी उस तोते को अपने कमरे में ले जाती और उसके माथे की कील निकाल देती। वह राजकुमार बन जाता और रात में वे दोनों साथ में ही रहते और ऐसे ही धीरे धीरे समय निकलता गया। राजकुमारी को उस राजकुमार से प्रेम हो जाता है। मित्रों, उधर क्या होता है, जो राजकुमार की 7 पत्नियां थी, वह बहुत सारे तोते खरीद कर मरवा देती हैं। लेकिन जो राजकुमार तोता बना हुआ था वो उन्हें नहीं मिलता है। फिर वे सातों रानियां उसी साधु के पास जाती हैं और कहती हैं कि हे महात्मा, हमारे पति तो अभी तक हमें नहीं मिले, हम अब क्या करें, उन्हें कैसे मारें। तब वह साधु फिर से अपनी पोटली खोलता है और देखता है कि वह राजकुमार अभी तक तोता बना हुआ है और उसी राजा के घर में रह रहा है। साधु उन सातों रानियों से कहता है कि तुम एक काम करो, तुम नृत्य कला सीखो, हम सभी मिलकर उस राजा के घर नृत्य कला करने जाएंगे और जब राजा हम पर प्रसन्न हो जाएगा, हम उससे कुछ मांगने को कहेगा, हम उससे वह तोता ही मांग लेंगे और फिर आसानी से उसे मार देंगे। धीरे धीरे समय बीता, साधु तबला सीखता है और वे सातों रानियां नृत्य कला। वह पूरी तरह से नृत्य कला सीख चुकी थी। अब साधु को लगा कि हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं और उस तोते को उस राजा से मांग सकते हैं। वह साधु का भेष बदलकर उन
सातों रानियों को नृत्य कला वाली स्त्री बनाकर राजा के सुख बाल दरबार में पहुंच जाता है और राजा उस साधु से कहता है कि आप लोग कौन हैं, यहाँ क्यों आए हैं। वह साधु कहता है कि हम सब नृत्य कला वाले हैं, आपके महल में हम नृत्य कला दिखाना चाहते हैं, गाना चाहते हैं। राजा सुखताल को भी गाने बजाने का बहुत शौक था, वह मान जाते हैं। उधर वह साधु अपना गाना बजाना चालू करता है। जब उनकी गाने बजाने की आवाज तोता के कानों में पहुंची तो तोता समझ गया कि वह साधु हमारी सातों रानियों को लेकर भेष बदल कर यहाँ पर आ गया है। अब हमारी जान नहीं बचेगी। अब जब रात हुई तो राजकुमारी उस तोते को लेकर अपने कमरे में आ जाती है। उस तोते के सर से कील निकालती है और वह तोता राजकुमार बन जाता है। वह राजकुमार सारी बातें उस राजकुमारी को बताता है, कहता है कि देखो जो यह गाने बजाने वाले लोग आए हैं यह वही साधु हैं। यह गाने बजाने से राजा को खुश करके बदले में मुझे मांग लेंगे और ले जाकर मुझे मार देंगे। राजकुमार कहता है कि सुनो राजकुमारी, जब राजा बोले कि तोता लेकर आओ तो तुम मुझे मत देना, जब राजा स्वयं ही मुझे लेने आए तब भी तुम मुझे मत देना, कह देना कि मैं इस तोते को नहीं दूंगी। और जब राजा ना माने तो और तुमसे मुझे मांगने के लिए जिद करें और मुझे मांगे तब तुम गुस्से में आकर मेरे पिंजरे को फेंक देना, उसके बाद अपने बचने का रास्ता हम स्वयं ही ढूंढ लेंगे। राजकुमारी कहती है कि ठीक है मित्रों। इस प्रकार वहां पूरी रात गाना बजाना हुआ तो राजा प्रसन्न होकर उनसे कहते हैं कि मांगो, क्या मांगना चाहते हो। वह साधु कहता है कि जो आपके पास तोता है जिसे आपने कुछ दिनों पहले ही खरीदा है वह तोता आप मुझे दे दो। राजा कहता है ठीक है। राजा अपनी मंत्री को आदेश देता है कि जाओ उस तोते को लेकर आओ। मंत्री राजकुमारी के पास पहुंचता है और कहता है कि यह तोता मुझे दे दो, राजा ने मंगवाया है। राजकुमारी कहती है कि मैं यह तोता नहीं दूंगी। मंत्री कहता है कि देखिए आप जिद मत कीजिए। राजकुमारी कहती है कि तुम जाओ और मेरे पिताजी को यहाँ भेज दो, वे स्वयं इसे आकर ले जाएंगे। मंत्री राजा को जाकर सारी बात बताता है। राजा स्वयं ही आता है उस तोते को लेने के लिए। वह राजा आकर कहता है कि बेटी यह तोता मुझे दे दो, यह नृत्य कला वाले को देना है जो रात भर यहाँ गाना बजाना किए हैं, नहीं तो वह नाराज हो जाएंगे। राजकुमारी कहती है कि पिताजी यह तोता मैं नहीं दूंगी। राजा क्रोध में आकर कहने लगा कि बेटी यह कैसी बातें कर रही है, इसे देने का मैंने वादा किया है। जब राजकुमारी ने राजा को
क्रोध में देखा तो राजकुमारी को भी क्रोध आ गया और राजकुमारी ने गुस्से में पिंजरे को जमीन पर फेंक दिया। जैसे ही राजकुमारी ने उस पिंजरे को जमीन पर फेंका वह टूट गया और जो तोता था वह सरसों का दाना बन गया। यह देखते ही साधु तुरंत कबूतर बन गया और उस दाने चुगने लगता है। उसमें से जो एक दाना था वह स्वयं ही राजकुमार था। वह दाना जाकर के एक नाली में जाकर गिरता है। जैसे ही दाना नाली में गिरता है वो राजकुमार बाज बन जाता है और एकदम से कबूतर पर झपट्टा मार देता है और उसे मार देता है। इस तरह से उस साधु की मृत्यु हो जाती है। राजा यह सब देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। वह बाज उस कबूतर को मारकर फिर से तोता बन जाता है और जो राजकुमारी थी उस तोते के सिर से कील निकाल देती है और वह फिर से पहले जैसा राजकुमार बन जाता है। राजकुमारी अपने पिता को सारी बातें बता देती है। वे राजकुमार कहता है कि देखिए राजा साहब, मैं भी एक राजा हूँ और मैं आपकी बेटी से प्रेम करता हूँ और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। वह राजा अपनी पुत्री से पूछता है कि बेटी क्या तुम इससे शादी करना चाहती हो? तो राजकुमारी कहती है कि हाँ पिताजी, मैं इससे प्रेम करती हूँ। राजकुमार उस राजा की पुत्री से विवाह करके अपने महल जाता है और जो उसकी सात पत्नियां थीं उनको पकड़वा कर बंदी गृह में बंद करवा देता है और खुशी खुशी उस राजकुमार के साथ रहने लगता है। यही है प्रिय चरित्र की पढ़ाई, जिसे पढ़ने के बाद राजा को अपनी जान बचाने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ा। मित्रों, इस कहानी से सीखने वाली बात ये है कि स्त्री वैसे तो ममता दया करुणा की खान होती है, लेकिन अगर वह किसी पर पुरुष के प्रेम संबंध में पड़ चुकी है तो वह अपने पति पुत्र पिता यानी कि कोई भी उसके बीच रोड़ा बन जाता है तो वह उसको सबसे बड़ा शत्रु मान लेती है। उस समय स्त्री सबसे बड़ी कठोर हृदय वाली बन जाती है। दूसरा स्थान है कि स्त्री जब अपने परिवार पर किसी की बुरी दृष्टि देखती है तो वह उस समय अत्यंत कठोर बन जाती है। परिवार की हिफाजत के लिए वह मृत्यु से भी लड़ जाती है। तीसरी बात, औरत अपनी पुराने बैर को याद करके अत्यंत कठोर बन जाती है। बैर चाहे वर्तमान का ही हो, वह कभी बैरी के साथ नर्म रुख नहीं अपनाती है। नंबर चार, अपना पाप छुपाने के लिए वह कठिन से कठिन कष्ट सहन कर लेती है। अपने किसी प्रिय की मृत्यु भी देख सकती है, उसे मार भी सकती है, परिवार का विनाश भी देख सकती है, बंधन में भी पड़ सकती है। तो दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए राधे राधे।